तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हुंडई वर्ना। आज हुंडई ने अपनी ऑल न्यू वर्ना को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अपने सेगमेंट के सबसे ज्यादा स्पेशियस कार है। प्राइसिंग की बात करूं तो बेस मॉडल है इसका 10.89 लाख रुपीज का, और जो इसमें बूट स्पेस आपको मिल रहा है 528 लीटर का बूट स्पेस, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है। सबको समझाने वाला हूं। उससे खास बात है कि इसमें जो आपको इंजन दिया गया ना, 160 हॉर्स पावर का इंजन है भाई साहब, क्या जबरदस्त पावर ऑफर करेगी। गाड़ी आपके सामने है, मैं हुआ हूँ हुंडई के स्पेशल इनवाइट में वर्ना के लॉन्च में। समझाता हूँ गाड़ी अपने साथ क्या ला रही है। डिजाइन आप देखेंगे, जो कलर ऑप्शन लेके आया हूँ, एक तो ये इसका GT एडिशन है, बहुत ही ज्यादा शानदार GT इसलिए कह रहा हूँ, जो स्पोर्टी फील इसमें आ रही है ना, ऐसी गाड़ी इंडिया में इस सेगमेंट में आपको नहीं मिल सकती है। क्या कुछ मिल रहा है, हुंडई का शानदार सा लोगो, वर्ना की ब्रांडिंग देखेंगे बहुत ही बढ़िया। पीछे आप देख रहे हैं एच शेप्ड, बढ़िया से आपको यहाँ पर टेल लैंप मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार। यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं पूरा टेल लैंप का सेगमेंट। उसके साथ पीछे देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, और गाड़ी की रियर की प्रोफाइल आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में ना सेगमेंट फर्स्ट बहुत सारे फीचर आए हुए हैं। सबसे पहला जो फीचर है भाई साहब, गाड़ी का पहले फ्रंट का लुक आप देखो कि आप कुछ ऑफर कर रहे हैं। एक तो आपको उसमें DCT का ऑप्शन मिलता है, जो कि सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाड़ी के फ्रंट के लुक को देखते हैं तो क्या लुक दिए गए, देख रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपको हुंडई की आयोनिक 6 से जो इसका लुक है इंस्पायर्ड लगेगा। हुंडई की यहाँ पे सेंचुअस स्पोर्टीनेस डिज़ाइन फिलोसफी का इस्तेमाल किया गया है, और गाड़ी के लुक्स आप देख रहे हैं फुल LED सेटअप के साथ आती है। सबसे अच्छी खास बात है ना, इसमें आपको जो हुंडई का स्मार्ट सेंस है उसका सपोर्ट मिल रहा है, और जिस तरीके से होंडा सिटी भी आपको सिस्टम देती है लेकिन उसमें रडार नहीं आता है, इसमें आपको डॉप्लर रडार मिलेगा जो कि माइक्रोवेव के ऊपर काम करता है और बहुत ही शानदार है। फॉगी कंडीशन में भी बढ़िया काम करता है। और गाड़ी में देख रहे हैं आप, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल रहा है, बाकी ये है कुछ गाड़ी के फ्रंट के लोग। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जो गाड़ी की लंबाई है होंडा सिटी के आसपास है, लेकिन इस गाड़ी की चौड़ाई होंडा सिटी से ज़्यादा है। उसी के साथ इसका जो व्हील बेस है वो भी होंडा सिटी से ज़्यादा है। बाकी ये आप देख रहे हैं गाड़ी को, सनरूफ भी ना मुझे इस गाड़ी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी लग रही है, वो देख लेते हैं। और ये देखो गाड़ी के पूरे डिज़ाइन को, क्या अल्टीमेट डिज़ाइन है। प्लेटफॉर्म भी अपडेट हुआ है, गाड़ी अपनी 6th जनरेशन में जा चुकी है। इसके अंदर चल के देखते हैं, ये जो वॉक अराउंड है ना बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा अगर आप एक गाड़ी को लेना चाहते हैं। उसके साथ इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देखो इसकी प्राइसिंग, इसमें आपको टोटल एक तरीके से बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। जो इसका बेस मॉडल है उसका नाम इसका EX मॉडल रखा गया है, जिसमें आपको 1.5 लीटर का सेम पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको टर्बो नहीं मिलता है, 6 स्पीड का मैनुअल है, IVT का ऑप्शन है जो कि CVT का ही मॉडिफाइड वर्जन है। प्राइसिंग देखेंगे बेस मॉडल में मैनुअल में पेट्रोल के साथ तो ये दी गई है 10.89 लाख रुपीज़, और टॉप मॉडल आपको IVT के साथ ऑफर किया गया 16,19,500 रुपये का, यानी कि ये गाड़ी 18 से 19 लाख रुपये टॉप मॉडल में जा रही है। वहीं अगर आप DCT के साथ जाते हैं जिसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन मिले, वो आपको बेस मॉडल, प्राइसिंग आपके सामने है। और वहीं अगर आप SX ऑप्शनल में DCT लेना चाहते हैं, प्राइसिंग आ रही है 17.37 लाख रुपीज़, और ये इसका दूसरा कलर ऑप्शन आप देख रहे हैं जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। गाड़ी का जो व्हील बेस है सेगमेंट में सबसे बड़ा है, जिससे फ़ायदा मिलेगा गाड़ी की हाईवे स्टेबिलिटी में, फैमिली जो कंफर्ट इंजॉय करेगी ग्रैंड विटारा से ज़्यादा, एक तरीके से आपको इसमें मैं कहूँ जो अंदर व्हील बेस मिल रहा है। आप देख लीजिए गाड़ी की सेकंड रो सीटिंग को, यहाँ पर जो सीटिंग है एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं जो इलांट्रा में आपको सीटिंग मिलती है, और जो आप एक प्रीमियम सेगमेंट इससे ऊपर चाहते हैं जो डी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वही फील हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे इसके पूरे डैशबोर्ड को, खास बात यह है ये इसका GT एडिशन है, तो ये आप पहले तारीख देखेंगे 21 मार्च है आज, लगभग एक बजने वाला है। और ये कुछ आप देख रहे हैं ना पूरा 10.25 इंचेस के आसपास की स्क्रीन दी गई है, मैं भी बैठ के दिखाऊंगा, अभी सबका शूट यहाँ पर शेड्यूल्ड है वो दिखाने वाला हूँ। और देखोगे भाई साहब इसमें अडास आता है, तो अडास के फंक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि अडास के फंक्शन इस सेगमेंट में जो बाकी कंपनियाँ दे रही है उससे थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 17 के आसपास के यहाँ पे फंक्शन दिए गए अडास में। 65 आपको यहाँ पर एडवांस सेफ्टी फंक्शन दिए गए। सबसे अच्छी बात है कि बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, ABS EBD मिलेगा, लेकिन जो ESP है और जो व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है वो थोड़ा ऊपर वाले मॉडल से मिलेगा, वो समझा दूंगा। बाकी जो ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक है वो भी थोड़ा ऊपर वाले मॉडल में मिलेगा। बाकी जो ऊपर आप देख रहे हैं ना वो उसका लेन वॉच कैमरा है, उस पर सबकी नज़र है, लेकिन जो रडार ये कंपनी ने दिया है ना वो मुझे सबसे बढ़िया फीडबैक लगा, और जो होंडा ने थोड़ा मिस आउट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे पैडल शिफ्टर, आप देख सकते हैं गाड़ी की 10.25 इंचेस की स्क्रीन बढ़िया तरीके से कवर की गई है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक है वो सारे पैडल के पोर्शन आप देखेंगे। बोश का ऑडियो सिस्टम आता है गाड़ी के अंदर, ये आप देखेंगे क्वालिटी, सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, इस साइड भी सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया, ऐसे कुछ आपको एसी वेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। इंजन बे खोल के देख ले एक बार, यही तो इंतज़ार था, अब तक अंदर भी गाड़ी थोड़ी खाली हो जाएगी। सेगमेंट फर्स्ट आपको यहाँ पर पावर सीटिंग मिलेगी, वेंटिलेशन का फंक्शन है जो कि अच्छी बात है। भाई साहब यहाँ पर खुलने जा रहा है आपकी वर्ना का इंजन, जिसमें मिलता है 160 हॉर्स पावर,
और लगभग आपको यहाँ पर 253 nm के आसपास का टॉर्क है। अगर आप Volkswagen के TSI इंजन को इससे कंपेयर करेंगे तो वो इंजन इससे पीछे रह चुका है, उसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है और 250 nm के आसपास का टॉर्क है। इसमें पावर उससे ज़्यादा मिल रही है, चलने में कैसा है, क्या फील आती है वो समझाऊंगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो हुड इंसुलेटर प्रॉपर दिया गया, उसी हिसाब से अगर इसके वेट की बात करें तो वेट भी ठीक ठाक है। वेट मतलब मैं देखूँ ऐसे हम इसको रोक सकते हैं। उसके साथ पूरा जो लेआउट है ना, एक इंटरनेशनल लेवल का लेआउट दिया गया है। नीचे आप देखेंगे प्रॉपर क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, अलग ही चीज़ है। ये हुंडई का इन हाउस इंजन है, चेन्नई में इसे बनाया जा रहा है। स्मार्ट स्ट्रीम जो सीरीज है उसका इस्तेमाल किया गया, पूरा यहाँ पर आपको सीलर और ये सब चीज़ें दिखेगी। नीचे आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग की बात करें तो दी गई है एक तरीके से, कोई भी हाइब्रिड का ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर टर्बोचार्ज फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। माइलेज की बात करें तो DCT के साथ ये गाड़ी सबसे ज़्यादा माइलेज दे रही है, 20.60 km का माइलेज दे रही है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको करेंगे बंद और सबका यहाँ पर शूट कंप्लीट होता है तो इसको हम बंद कर देंगे। बहुत ही बढ़िया शट लाइन है, दबा के बंद होती है और जो वेट है गाड़ी का वो भी फील हो रहा है। ग्लोबल एनकैप में जो क्रैश टेस्ट होगा वो आगे देख लेंगे। यहाँ पर देख लो सनरूफ ये भी खुल चुकी है, तो इसका भी इतना अपर्चर है। इस साइड देख लो, थोड़ा सा पेस्टिंग प्रॉपर करिए भाई साहब, कोई शिकायत नहीं आएगी। इस साइड भी देखेंगे तो ये सारे कॉर्नर भी, मुझे नहीं लगता कि हुंडई इन चीज़ों में मिस आउट करेगी, क्योंकि इनकी जो फिट ऑफ फिनिश है ना नंबर वन रहती है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सिल्वर फिनिश दी गई है, डोर्स में वेट अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं जो 200 में आपको फील आती थी ना, 200 वाली फील दी गई है और बढ़िया लगने वाली है। जो सॉफ्ट टच मटेरियल हर जगह देखने को मिल रहा है वो यहाँ भी आप नोटिस करेंगे, ये चीज़ें सब कुछ सॉफ्ट टच है। Bose का ऑडियो सिस्टम है, आगे जो स्पेस है मुझे बड़ा हुआ लग रहा है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको बैठ के दिखाऊं तो ये चीज़ें दिखेगी, जो कि आपको एमियल लाइटिंग 64 कलर्स के साथ मिलेंगी। बैठ के देखते हैं, क्योंकि बेस मॉडल में ना आपको पूरे 6 एयरबैग यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो टॉप मॉडल में आना नॉर्मल सी बात है। और ये इसकी पूरी ब्रांडिंग, थोड़ा सा जो GT एडिशन है उसका टच अप लेने के लिए आपको रेड यहाँ पर हाईलाइट दिए गए। इतना कुछ ग्लव बॉक्स है जो कि आपको कूल्ड फंक्शन के साथ मिलने वाला है। ये देख रहे हैं आप इसकी डुअल स्क्रीन, जो कि बहुत ही बढ़िया सा लेआउट बना रही है। 10.25 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलती है और आगे से जब बॉनेट खुलता है बहुत बढ़िया व्यू देता है। ये ECM कोडेड आपको यहाँ पर IRVM मिलेगा, जो आपको सनरूफ मिल रही है उसकी फंक्शनिंग एक बार देख लेते हैं। तो सनरूफ के लिए सिंगल क्लिक से हो जाएगा और इसको आप मैनुअली ही करेंगे, बहुत सही। इस साइड देखेंगे यहाँ पर आपको IRVM मिलेगा, जो कि आपको यहाँ कोई कवरिंग तो नहीं दे रहा है और लाइटिंग का फंक्शन भी इसमें मैं नहीं देख रहा हूँ, तो ये सब चीज़ है। बाकी अपना हेडरूम शोल्डरूम देखेंगे, ये अपना हेडरूम है शोल्डरूम है, गाड़ी में सबसे अच्छा शोल्डरूम क्लियरेंस हुंडई यहाँ पर क्लेम करी और लग भी रहा है कि गाड़ी थोड़ी प्रीमियम हो चुकी है। जो यहाँ पर DCT आ चुका है उसका एक तरीके से मैं कहूँगा जो टॉगल दिया है, जिसमें आपको पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड प्लस माइनस का फंक्शन है। फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ से एक्टिवेट होंगे डीएक्टिवेट होंगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड ये इसके फंक्शन है, कुछ यहाँ पर फंक्शन दिए गए। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे इतनी आमरस के नीचे स्पेस दी गई है, ये चीज़ हाईलाइट की गई थी कि यहाँ पर आपको सेलेक्टर के साथ ये चीज़ें दी गई है, जो कि थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। और ये चीज़ मेंशन की गई है, ब्लूलिंग का सपोर्ट मिलता है, जो ऑडियो कमांड है ये लेने वाली है, वॉइस कमांड लेने वाली है, इसमें इंग्लिश का भी सपोर्ट मिल जाता है आपको, यानी कि आप अगर इस गाड़ी से कहेंगे AC ऑन कर दो तो ये गाड़ी AC ऑन कर देगी। बाकी अभी ऐसा देख के नहीं लग रहा कि गाड़ी में कोई ब्लाइंड स्पॉट होगा बड़ा सा, और काफ़ी इंटेलिजेंटली बनाई गई है। देखिए सर बैठे, सर का हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, पीछे भी सर बैठे तो उनका हेडरूम भी सही है, हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है, हेडरूम पूरा मिल पा रहा है। नीचे देखेंगे वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, इनमें लाइटिंग है और जो वेंटिलेशन का फंक्शन है, जो कि हीटेड भी है, वेंटिलेशन भी है और टेम्परेचर यहाँ से जो परफोरेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग मेंटेन होगा, तो यहाँ पर तो गाड़ी बिल्कुल पास होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सारी वेल्डिंग की गई है, इसको एक तरीके से कवरिंग दी गई है नॉर्मल बिल्डिंग के साथ, लगभग 450 ऑटोमेटिक वेल्डिंग एक तरीके से रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है और इस गाड़ी को बनाने में लगभग 700 रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो समझ सकते हैं कितनी लंबी प्रोसेस होगी, कितनी ज़्यादा बारीकी से किया गया होगा काम, ऑटोमेशन का काम किया गया। Shark FIN 19 आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बेस मॉडल से डिफॉगर भी मिलने वाला है और ये जो ग्लास है ना कहीं आपको होंडा सिटी की जो पहली दूसरी जनरेशन थी उसका याद दिलाएगी। हल्का सा कर्वी डिज़ाइन है, हल्का सा क्लासिक टच है और बढ़िया लगती है। यहाँ पर देखेंगे जो एक 200 में आपने देखा था स्टेनलेस स्टील का एलिमेंट वो नोटिस करेंगे और गाड़ी की जो फिलॉसफी है, जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, इसके अलॉय से भी झलक रहा है। अलॉय देख रहे हैं आप कितने बढ़िया अलॉय लग रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक का टोन दिया गया है, रेड का कोई डिटेल पीछे नहीं है, लेकिन आगे आप जाएंगे तो आपको जो कैलिपर दिए गए हैं उसमें आपको रेड की थीम भी मिलेगी। टायर साइज़ में देख रहा हूँ 205/55 रेडियल 16 का। गाड़ी को अगर आप थोड़ा दूर से देखना चाहते हैं ना तो ऐसी दिखाई पड़ती है गाड़ी, क्या शानदार डिज़ाइन है। मतलब मैंने बताया था कि इसका डिज़ाइन फ्रंट से कहीं ना कहीं जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ आती है, एलांट्रा आती है, अल्जेरा आती है, उनसे एक तरीके से मिलता जुलता है।
लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार काम करा है। और ये चीज़ आप देख रहे हैं, टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब लाइट मिलने वाला है, एलईडी का फंक्शन नहीं है, फॉग लैंप भी नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन गाड़ी अपने में शानदार है। और पीछे देखेंगे कोई स्पॉइलर ऐसा नहीं है, लेकिन यहीं पर इसके जो लिप है उसी को ऐसा मोल्ड किया गया है कि एक बढ़िया सा फील यहाँ पर आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं गाड़ी के बूट को, 528 लीटर का बूट स्पेस, थोड़ी सी यहाँ पर आपको क्लैडिंग मिस आउट कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर दी गई है। कुछ यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट मिलेंगे। नीचे देखेंगे तो क्या सब कुछ है भाई साहब। तो ये है इसका स्पेयर व्हील जो कि गुड एयर का है, 185/65 रेडियल 15, 15 इंच का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा और 16 इंच का आपको इसमें मेन व्हील मिलेगा। अब हम चलते हैं भाई साहब गाड़ी के सेकंड रो सीटिंग में। होंडा सिटी से ज़्यादा स्पेस है, सिंपल सी बात है। और जैसे सर बैठे हैं तो सर की हाइट यहाँ पर 5.5 फीट से ऊपर है, लेकिन स्पेस बहुत सही है। इससे पहले गौरव जी बैठे हुए थे, उनकी स्पेस, उनकी हाइट 6 फीट के आसपास है और मेरी हाइट भी 5 फीट 11 इंच है। और यहाँ पर मेरा हेडरूम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सॉफ्ट टच नहीं है, बट यहाँ पर जो टच पॉइंट्स है वहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है। बाकी देखिए फ्रंट का आप पूरा डैशबोर्ड देखेंगे तो देखिए सर भी आगे बैठे हुए हैं, तो उनका हेडरूम मैं कहूँगा 6 फीट के बंदे के हिसाब से ठीक है। सनरूफ का अपर्चर इतना है। लाइट्स यहाँ पर 2 दी गई है, एक आगे है, एक ये दी गई है। अभी चलेंगे ड्राइवर क्लस्टर, स्टेयरिंग की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर देखेंगे रूफ लाइनिंग, आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी दिखने से भाई साहब, इसमें ऐसा नहीं है कि छूल रही है। और ये अलग सा यहाँ पर एक कर्व बनाया गया जिसे हेडरूम और ज़रा बड़े इसमें। दोबारा देखिए मेरा हेडरूम यहाँ पर, तो इतना कुछ हेडरूम है और पीछे 3 लोग बड़े आसानी से बैठ सकते हैं इसमें। इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो ये जो आर्मरेस्ट वाली चीज़ है यहाँ पर आपका और ज़्यादा स्पेस बढ़ा देगी। 2 कप होल्डर्स के लिए स्पेस पहले से है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है इसमें। और उसी के साथ यहाँ देखेंगे तो ये आप चीज़ देखेंगे सॉफ्ट टच नहीं है, ये प्लास्टिक के साथ ऑफर की गई है। ये आप देखेंगे सारे एसी वेंट, ये कुछ आप देखेंगे फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस के साथ। और लेग रूम में गाड़ी इतना लेग रूम दे रही है और बीच में टनल देखते हैं तो हल्की से टनल दी गई है, तो वो चीज़ नोटिस करने वाली है। साइड से जो आप सारा रैप अराउंड टेल लैम्प देख रहे हैं ना, उसकी भी अलग ही बात है, डिज़ाइन अलग है। और प्राइसिंग मैंने बताई 10,90,000 रुपये के आसपास स्टार्टिंग प्राइस है इसकी, मतलब ना होंडा सिटी और इसकी बड़ी खतरनाक वाली टक्कर होने वाली है। ORVM भी ना कुछ बल्की शेप में मिलेगा आपको, ये चीज़ भी आप देख रहे हैं हल्की सी बल्की लगेगी इसके हिसाब से, क्योंकि और थोड़ा सा जो प्रीमियम टच आप चाहते हैं वो यहाँ पर मिलेगा। कुछ आपको यहाँ पर ब्रश आउट एल्यूमिनियम की फिनिश आप नोटिस करेंगे। बाकी सनरूफ का जो अपर्चर है हल्का सा बड़ा लग सकता है आपको, तो वो अच्छी बात है। बाकी रूफ में कितना आपको यहाँ पर मैं कहूँ जो स्टील यूज़ किया गया है अच्छे खासे इंटरनल सपोर्ट के साथ, जो इंटरनल पैडिंग है उसका यूज़ किया गया, ज़्यादा फ्लैक्स नहीं कर रहा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी गाड़ी का जो एरो है, एरोडायनेमिक्स है, वो खास बात का ध्यान रखा गया है यहाँ पर और हर कोई इंतज़ार कर रहा है, देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं फ्रंट में ना जो इसका लाइट बार है उसकी बात ही अलग है। अब देखिए गाड़ी हल्की हल्की खाली होने लग गई है, तो ये है इस गाड़ी के फ्रंट का लुक, हुंडई का बड़ा सा लोगो। और इस गाड़ी को ना मुझे देख के बिल्कुल आयोनिक 6 की याद आ रही है, जो कि मैंने थाईलैंड में बनाई थी और यहाँ भी ऑटो एक्सपो में आई हुई है, वो गाड़ी की बात है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना ये जो है सिस्टम, ये डॉपलर रडार है जो हुंडई ने भी मेंशन करा है, जो कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, और वो सिंपल आपका लेन वॉच कैमरा है। तो यहाँ पर आपका जो मेन चीज़ है ना ये काम करने वाला है फॉगिंग में। और यहाँ पर जो दूसरा कलर ऑप्शन है इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको नॉर्मल एल्यूमिनियम रिम मिलेगा, कोई भी ब्लैक का ट्रीटमेंट नहीं है। उसी के साथ पीछे जो ड्रम ब्रेक आप देख रहे हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। और साथ ही गाड़ी के आप चलेंगे SX ऑप्शनल होगा इसका एक। और पीछे देखेंगे तो 528 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर भी आपको नॉर्मली मिलता रहेगा। लेकिन इंटीरियर आप देख रहे हैं अलग ही आपको बेज की जो फिलॉसफी है वो देखते हुए मिलेगी। और अंदर भी देख लीजिए एक बार, तो ये है इसके अंदर बेज इंटीरियर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टॉप एंड मॉडल लीजिए, उसमें सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं जो कट जाए। बाकी गाड़ी की लंबाई आपको बताऊँ तो 4535 मिलीमीटर है इसकी लंबाई, जो कि होंडा सिटी से हल्की सी कम है, 1-2 इंच के आसपास कम है। लेकिन जो गाड़ी की चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है, 1765 मिलीमीटर की, 1475 मिलीमीटर इस गाड़ी की ऊंचाई है और 2670 मिलीमीटर का इस गाड़ी का अपना व्हील बेस है, जो कि सेगमेंट में सबसे सही आपको लगने वाला है। साथ ही गाड़ी में 30 आपको सेफ्टी फीचर बेस मॉडल से दिए गए हैं, उसके साथ आपको 65 आपको एडवांस सेफ्टी फीचर और करीब 26 आपको फर्स्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर मिलने वाले हैं। और ये आपकी 6th जनरेशन 1 आपके सामने रही, तो माइलेज ना यहाँ पर आपके सामने रखी गई है 18.6 kmpl, ये आपको देने वाला है मैनुअल के साथ अगर आप पेट्रोल में लेते हैं नॉर्मल, और 19.6 kmpl आपको IVT दे देगा, जो कि इनका CVT ट्रांसमिशन है। अगर आप टर्बो GDI के साथ जाएंगे तो 20 kmpl देगा मैनुअल के साथ। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं आपकी ऑल न्यू वर्ना के इंटीरियर्स में। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट बटन मिलता है, डोर हैंडल इसके बहुत बड़े दिए गए सिल्वर फिनिश के साथ है, क्रोम आप मिस आउट करेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन डोर्स में वेट आपको 200 के लेवल का मिलेगा, बहुत ही सही वाले यहाँ पर
क्वालिटी आप फील कर सकते हैं। थोड़े जो इसके इंटीरियर है ना, जो मैं अभी इससे पहले आपको जीटी दिखा रहा था उससे अलग है। यहाँ पर आपको हल्का सा एक तरीके से आइवरी शेड दिया गया, हल्का सा वाइट है, मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगा लेकिन ये सॉफ्ट टच है। ये प्लास्टिक थीम में दिया गया है और ये नॉर्मल कंट्रोल वही है, बोश का आपको यहाँ पर ऑडियो सिस्टम मिलेगा। सेगमेंट की पहली आपको यहाँ पर एक तरीके से अच्छी सीटिंग दी गई है जो कि पावर्ड है और वेंटिलेशन के साथ है सबसे अच्छी बात, जिसमें आपको हीटिंग और कूलिंग दोनों होगी। हल्की सी यहाँ पर वरना की ब्रांडिंग आपको मिलने वाली जो कि आप थोड़ा सा पसंद करेंगे। तो उस पोक यहाँ पर आपको स्टेयरिंग मिलने वाला है जिसमें लेदरेट का फंक्शन है लेकिन थोड़ा हार्ड है। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, 10.25 इंचेस की आपको यहाँ पर दो स्क्रीन मिलती है जो कि एक बहुत बढ़िया सा व्यू आपके सामने रखती है। लेकिन अगर आप सीमलेस पसंद करते हैं ना तो बीच में एक बेजल आपके सामने आने वाली है, वो कैसा फील करवाएगी आगे बता दूंगा। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल और जो ESP का फंक्शन मिलता है, जो कि बेस मॉडल में आपको EBD और ABS मिलता है, जो ESP और वो फंक्शन है ना थोड़ा ऊपर के वेरिएंट में, जब वीडियो आएगी सामने तो और क्लियर होगा। लेकिन बेस में सिर्फ आपको ABS और EBD है और 6 एयरबैग है, ECM कोटेड आपको यहाँ पर IRVM मिलेगा। अंदर बैठता है जल्दी से, और क्या चीज़ें दी गई है, पैडल शिफ्टर दिए गए हैं क्योंकि इसमें आपको देखिए सनरूफ के लिए इसमें की नहीं है, इसलिए ये चीज़ें भी इसमें नहीं दिखेगी। सनरूफ आपको उस वाले मॉडल में मैंने अभी दिखाई थी। और ये चीज़ आप देख रहे हैं जो सारा अडास के फंक्शन है, यहाँ पर आपको टोटल 17 फंक्शन दिए गए अडास के, थोड़े अलग है जो कंपटीशन दे रही है क्योंकि इसमें आपको रडार भी मिलता है, रेन वॉच कैमरा भी दिया गया है और किस तरीके से काम करता है बताऊंगा कभी। लेकिन इसमें थोड़े ज़्यादा फंक्शन है जो ट्रैफिक के साथ साथ जो एक तरीके से पार्किंग वाले फंक्शन है उसमें भी सेफ्टी इंश्योर करेगा, जो ड्राइवर का कन्वीनियंस है उसको भी बढ़ाएंगे और जब आप गाड़ी चलाएंगे तो सेफ्टी भी इंश्योर होने वाली है। यहाँ पर आपको सारे जो वेंटिलेशन के फंक्शन मैंने उस साइड से दिखाए थे वो यहाँ से देख लीजिए। ये इसके सेगमेंट फर्स्ट एक तरीके से टॉगल करने के साथ सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिक, एक तरीके से AC का। इसकी अभी यहाँ पर बैटरी हो गई है डाउन और ये वायरलेस चार्जर है। और ये देखेंगे तो ये IVT के साथ आता है, तो ऐसा इसका कुछ टॉगल दिया गया। ड्राइव मोड यहाँ से होंगे, इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। फ्रंट का पार्किंग जो तरीके से आपको कैमरा मिलता है वो भी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। ये चीज़ आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलेगा जो कि मैनुअल है। अगर आप DCT वाले ऑप्शनों के साथ जाएंगे जो कि आपको 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ मिलेगा, उसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फंक्शन भी है। ये चीज़ आप देखेंगे ऐसी है। तो अगर आपको थोड़ा सा ना स्पोर्टी फील पसंद है तो ये गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा स्पोर्टी फील होगी अगर आप इसके टर्बो वाले वेरिएंट के साथ जाएंगे, खासतौर पर DCT वाले वेरिएंट में जाएंगे। प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है और ऐसा भी नहीं कि सुपर एक्सपेंसिव रखी है, सही प्राइसिंग है। स्टीयरिंग एक नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दिए गए, लेकिन ये आयोनिक से इंस्पायर्ड है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आगे से जो बॉनेट है वो भी विजिबल है और जो लेग रूम और शोल्डर रूम है उसकी आप देखेंगे तो सही सही सा फील करेंगे। हम चलते हैं गाड़ी के बाहर, एक सिंगल शॉट में आपको दिखा देते हैं जो आपको यहाँ पर MPI इंजन दिया गया है जो कि नॉन टर्बो है, उसका लेआउट किस तरीके से है। बॉनेट में काफ़ी अच्छा वेट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक तरीके से आपके सामने रखता है। और यहाँ पर हम करेंगे इसको लॉक और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन 115 हॉर्स पावर बनाता है और करीब 144 NM है, लेकिन यहाँ पर 143.8 NM का फिगर सामने आया था। पेट्रोल में भी माइलेज बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल के साथ जाएंगे तो 20 KMPL का माइलेज मैनुअल में है और DCT के साथ और बढ़िया माइलेज यहाँ पर दिख रहा है। ये सारे कंट्रोल आप देख रहे हैं, बढ़िया सा दिया गया है। नीचे आप देखेंगे हल्का सा आपको ओपन मिलेगा, ये आप देख रहे हैं सारे के सारे हुड इंसुलेटर्स। तो दोस्तों ये कुछ आपने देखी आपकी ऑल न्यू वरना, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और वीडियो बना देंगे इसकी और गाड़ी आपको और समझाना है और अंदर जो डिस्प्ले है इसका फील अलग लेवल का आपको आने वाला है। जो काम किया गया है कि आप पूरा आपको इंफोटेनमेंट दिया गया, जो ब्लूलिंग का सपोर्ट है वो आप पसंद करेंगे। एक जो मिस आउट आप कह सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, वो अभी इसमें रह गया, हो सकता है बाद में आपको नए नए फीचर अपडेट के साथ देखने को मिले। लेकिन जो रडार इसमें दिया गया है वो इसको थोड़ा स्पेशल बना रहा है जो कि अभी बाकी कंपटीशन इस लेवल में नहीं आया हुआ है। फीचर इसमें बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको, लेकिन गाड़ी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कैलिपर्स, वो भी आप नोटिस करेंगे और अच्छी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये है फिर आपकी ऑल न्यू वरना जो कि अपने बिल्कुल एक नए 6th जनरेशन के अवतार में आपके सामने आई है, 6th जनरेशन वरना है। वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी और वीडियोज़ आपके लेके आता हूँ। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।